मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में है, और बुरहानपुर में ये शाहपुर है। शाहपुर में ब्रह्म कुमारी आश्रम बनने जा रहा है, जहाँ पे राजयोग बताया जाएगा, जो सभी साधनों में सबसे महत्वपूर्ण होता है। और एक खास बात और है कि यहाँ पे जो बुरहानपुर के कॉलोनाइजर हैं, जो एक बड़े बिजनेसमैन हैं, संदेश महेश्वरी, उन्होंने यहाँ पे जमीन दान दी है, और ये जो आश्रम बना रहे हैं उसमें भी इनका बड़ा सहयोग है। हम ब्रह्म कुमारी आश्रम की दीदी से बात करेंगे। दीदी बताएंगे, दीदी कैसे क्या भव्य रूप में ये आश्रम बनेगा और क्या आपका सहयोग रहा? हाँ, संदेश भैया ने यहाँ ब्रह्म कुमारी विद्यालय के लिए अपनी जगह दी है, 500 स्क्वायर फुट। उन्होंने अपने पिताजी के नाम से एक कमरा बनाने का भी बन गया है कमरा, आप देख ही रहे हैं। और भी सभी लोगों को इससे प्रेरणा मिले, सभी को उमंग उत्साह आए और अपना दान अपना पुण्य कमाए, ये सभी को प्रेरणा मिली। और यह लेना ही चाहिए, सभी ने संदेश भैया से सीखना चाहिए। वो अपने पिताजी के नाम से बहुत बड़ा अच्छा योगदान दे रहे हैं। दीदी आपका नाम? मेरा नाम है अरुणा दीदी। इस सेंटर से कितने लोग जुड़ेंगे आसपास के, लगभग कितने? फिर भी आसपास जो भी सारे गांव है वहाँ हमारी क्लासेस चलती है, शाहपुर के भी डेली दोनों टाइम क्लास चलती है, टोटल मिला के 500-600 तो होते ही है। आपको कैसा लगता है कि जब आपका बेटा नेक कार्य कर रहे हैं तब कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा। ये जो एक धार्मिक अध्यात्म के लिए यहाँ पे भवन दिया जा रहा है, जमीन दी है, तो कैसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनके पापा का नाम और आगे समय तक रहेगा, पूरे परिवार का नाम उसने रोशन किया है। ऐसा बेटा भगवान सबको दे। चलिए बहुत भैया, ऐसा बेटा सबको दे। भाभी ये बताइए कि आपको कैसा महसूस होता हो रहा है कि संदेश भैया दान पुण्य में भी काफी आगे आ रहे हैं? मुझे बहुत खुशी है, और मैं और मेरा परिवार हम सब लोग बहुत खुश हैं कि मेरी ये किस्मत है कि मुझे उनके जैसे पति मिले। बहुत अच्छे नेक दिल है और सबका ख्याल रखते हैं, सबको सहयोग करते रहते हैं। और शाहपुर में उन्होंने मेरे ससुर अनिल कुमार माहेश्वरी जी के नाम पे जगह दान जमीन दान दी है, और एक हॉल भी बना दिया है, जिसका मतलब कि उनका ये सहयोग आगे भी करते रहेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि उनके जैसा उनके कार्य में सभी लोग आगे आए और सहयोग करें। ओम शांति दीदी का जो आश्रम है ये कि सभी लोगों को एक अच्छी प्रेरणा देगा और अच्छा चलता रहेगा। हाँ, आध्यात्मिक में गंगा बहती रहेगी। भाभी आपका नाम? रश्मि संदेश माहेश्वरी। ओम शांति। केन बनेगा ये राज योग रहेगा, और ये कहीं ना कहीं ज्ञान की गंगा बहेगा, जिसमें संदेश महेश्वरी का बड़ा भूमिका रहेगी, इनके पिता की बड़ी भूमिका रहेगी, और इनसे सीख लेना चाहिए लोगों को कि दान पुण्य करना चाहिए ताकि जरूरतमंदों को सहायता मिले। ये शहर में भी इन्होंने वृद्धा आश्रम के लिए भूमि देने की बात कही है, और ये कई ऐसे नेक काम करते हैं जो बताते नहीं हैं। यहाँ पे मुखबद्र विद्यालय है, वहाँ पे भी ये सहयोग करते हैं हमेशा। लेकिन हमारा भी मानना यह है कि जो भी आप नेक कार्य करते हैं उसको बताना चाहिए, ताकि जो अन्य लोग हैं वो इससे प्रेरणा ले सके और वो भी इस नेक कार्य में आगे आए। हमारी खबरों को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। यदि खबर आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।